सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम चलाने वाले करोड़ों यूजर्स को बड़ा झटका लग सकता है। जी हाँ, अगर आप भी सोशल मीडिया के इन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करते हैं तो संभल जाइए, क्योंकि मोदी सरकार इन तीनों सोशल मीडिया कंपनीज को भारत में बंद करने की तैयारी कर रही है। दरअसल देश में काम कर रही इन तीनों सोशल मीडिया कंपनियों को केंद्र सरकार ने 25 फरवरी 2021 को कुछ नियमों का पालन करने का आदेश दिया था और उसके लिए 3 महीने का समय दिया था, जो कि 26 मई को पूरा हो रहा है। केंद्र सरकार द्वारा जारी आदेश के मुताबिक सोशल मीडिया कंपनियों को भारत में कंप्लायंस अधिकारी और नोडल अधिकारियों की नियुक्ति करनी थी। साथ ही उन सभी अधिकारियों का कार्यक्षेत्र भारत में होना जरूरी रखा गया था। आदेश में यह भी कहा गया था कि सोशल मीडिया कंपनियों को अपनी वेबसाइट या मोबाइल ऐप पर फिजिकल कॉन्टैक्ट पर्सन की जानकारी देनी होगी, लेकिन अभी तक इन कंपनीज ने केंद्र सरकार की तरफ से जारी किए गए निर्देश को लागू नहीं किया। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम ने ना तो अभी तक नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की है और ना ही अभी तक केंद्र सरकार को कोई जवाब दिया है। ऐसे में अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या 26 मई के बाद ये तीनों सोशल मीडिया कंपनीज भारत में बंद हो जाएगी। आपको बता दें कि अगर ये कंपनीज बंद हो जाते हैं तो भारत में करोड़ों यूजर्स की उम्मीदों पर पानी फिर जाएगा, साथ ही प्राइवेसी की सुरक्षा को लेकर भी यूजर्स काफी परेशान रहेंगे। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करने वाले यूजर्स सबसे ज्यादा भारत में, इन तीनों कंपनीज को भारत में सबसे ज्यादा फायदा होता है। लेकिन अगर मोदी सरकार इन तीनों सोशल मीडिया कंपनीज को बंद कर देती है तो इससे सबसे ज्यादा नुकसान इन तीनों कंपनियों को ही होगा। आपको बता दें कि भारत में सोशल मीडिया वेबसाइट एक इंटरमीडिएट की तरह काम करती है, और अगर कोई व्यक्ति सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी या पोस्ट करता है तो किसी भी सोशल मीडिया कंपनी पर कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि उन्हें भारत सरकार की तरफ से इम्यूनिटी प्राप्त है। लेकिन अब केंद्र सरकार इन तीनों कंपनियों पर सख्त एक्शन लेने का मन बना चुकी है। ऐसे में अब फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम के पास केंद्र सरकार के आदेशों का पालन करने के अलावा कोई चारा नहीं है। आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, साथ ही नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए VFN न्यूज़।